अगर आपने किसी से सच्ची मोहब्बत की है ना, तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे यकीन है कि तुम मेरा ये खत जरूर पढ़ोगे। ताजा ब्रेकअप से उबरने की कोशिश कर रहे तुम जैसे लोग मन बहलाने के लिए इन दिनों वो सब करते हैं जो गर्लफ्रेंड के रहते नहीं करते। उन दिनों तुम मेरा फोन नहीं उठाते थे और अक्सर मैसेज पढ़ना भी भूल जाते थे। देख रहा हूं कि आजकल क्विक रिस्पॉन्स करने की तुम्हारी क्षमता फिर लौट आई है। देखो ये अच्छा ही है, अब उन बातों पर ध्यान दो जिन पर पहले नहीं दे पाए थे। वैसे आजकल पुरानी फिल्मों और पुराने गानों को भी तुम ठीक ठाक वक्त दे रहे होगे। मेरी सलाह है कि इमोशनल फिल्मों और गानों से कुछ दिन दूर रहो। गम हल्का करने की बजाय ये उसे गहरा कर देते हैं। मेरी मानो तो कहीं घूम फिर आओ। इमोशनल फिल्में और गाने सुनने से होता होता कुछ नहीं, मगर आदमी खुद को किसी ट्रेजिडी फिल्म का हीरो सा फील करने लगता है, और हीरो कौन नहीं होना चाहता। एक बात और लिखनी थी। देखो यार उस लड़की का नंबर डिलीट कर दो। ये तो मैं भी जानता हूँ कि वो तुम्हें मुंह जबानी याद नहीं होगा। आजकल हर चीज सेव जो हो जाती है, तो नंबर रटने का फालतू काम कौन करे। नंबर डिलीट कर दोगे तो उसके दो फायदे होंगे। एक तो तुम्हारा जब जब मन उसे कॉल करने का होगा तो तुम कॉन्टेक्ट लिस्ट में जाकर ठिठकोगे नहीं। दूसरा ये कि व्हाट्सएप पर उसे ऑनलाइन देखकर अंदाजा लगाने से बच जाओगे कि वो किससे चैट कर रही है। फेसबुक से तो उसने ही तुम्हें ब्लॉक कर दिया है, तो उधर की अब तुम फिक्र मत करना। बीच बीच में वो अनब्लॉक करके तुम्हें देखेगी, और इसके पहले कि तुम्हारा ध्यान उसकी प्रोफाइल पर जाए तुम फिर ब्लॉक कर दिए जाओगे। आजकल पहले ब्लॉक करना ईगो का इशू बन गया है। अच्छा वो सारे फोटो भी एक साथ सेलेक्ट करके मिटा देना। इनसे अब खुशी नहीं मिलेगी, बल्कि पुराना टाइम ही ज्यादा याद आएगा। उसे भूलने की कोशिश करना है तो पुराना टाइम याद करने से बचना पड़ेगा। मुश्किल है पर कर लोगे। शराब कम ही पीना। हम पहले उसकी कसम खिलाकर तुम्हें पिला देते थे, पर अब उसकी कसम खिलाकर रोक भी नहीं सकते। ऑफिस आते रहो, 8-10 घंटे सब नॉर्मल होने की एक्टिंग करोगे तो भी ठीक ठाक टाइम पास हो जाएगा। चाहो तो उस लड़की से बात करके देख लो जिसने तुम्हें 2.5 महीने पहले प्रपोज किया था। क्या मालूम अभी भी उसकी कश्ती किनारे ना लगी हो। ना ना, ये नहीं कह रहा कि फिर से रिलेशनशिप में पड़ो। बस ये चाहता हूँ कि ब्रेकअप के बाद जैसे लड़के अचानक सब लड़कियों से नफरत करने लगते हैं, ऐसा मत करना। लड़कियों से बातचीत करते रहो, तुम पाओगे कि जख्म लगाने और मरहम करने में दोनों में वो सबसे अच्छी होती हैं। ऐसे तो यार तुमने भी हमेशा उससे अच्छा व्यवहार ही किया हो, ये मैं नहीं लिखूंगा। कैसे लिखूं? तुम्हें गुस्से में उसे गालियां देते, झूठ बोलते और फॉर ग्रांटेड लेते देखा है, मगर दोस्त के कुछ फर्ज होते हैं। अभी मेरा फर्ज तुम्हारे घाव पर फाहा रखने का है, ना कि लापरवाही से चोट खाने पर डांटने और नसीहत देने का। दोस्त, लड़की वो बुरी नहीं थी, लड़के तुम भी बुरे नहीं हो, बस अधिकतर रिलेशनशिप ऐसे ही होते हैं। किताबों में तुम्हारी कभी रुचि नहीं रही और ना ही पढ़ने में, इसलिए ना ज्ञान दूंगा और ना लेटर और लंबा करूंगा। कभी मन करे तो मेरे पास चले आना, साथ में फिल्म विल्म देख आएंगे। गर्लफ्रेंड के चक्कर में हमने तुम्हें काफी मिस किया। अगली मिलने तक दोनों भाई एंजॉय कर लेंगे। तुम्हारा तजुर्बेकार दोस्त।